हे व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मुसर्रत की किचन में आपका वेलकम। तो आज हम लोग बनाएंगे हमारी कॉर्नफ्लेक्स भेल। भेल कह लो, चाट कह लो, आपकी मर्जी है, जो भी कहना है। और ये बहुत ज़्यादा आसान भी होता है और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी होता है, और सबसे मज़े की बात है बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है। तो अगर डाइटिंग वगैरह भी हो तो आप इसे बिल्कुल खा सकते हो। तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर लेना है टमाटर। टमाटर को हम लोगों ने ऐसे कट कर लिया क्यूब्स में और उसके बीज को निकाल दिया है। फिर इसमें हम लोग डालेंगे हमारे बॉइल्ड पोटैटो, फिर ये हमारा क्यूकम्बर इसमें डाल देंगे। देन उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर अनियन डालना है, चॉप्ड अनियन। फिर उसके बाद हम लोग इसमें डालेंगे हमारे वाइट मटर। इसको अच्छे से पहले सोक करके रखा था, देन उसके बाद इसको अच्छे से बॉईल कर लिया हम लोगों ने। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर डालेंगे इमली का पल्प, फिर ये गया हमारा ग्रीन चटनी, और ये हमारा गया काला नमक, और इसमें डालेंगे हमारे चाट मसाले। मतलब हमारा मिक्स चाट मसाला हम लोगों ने प्रिपेयर करके रखा था ना, वो डाला है। आप लोग नॉर्मल चाट मसाला भी डाल सकते हो। फिर नमक डाला, फिर धनिया डाला, फिर इसको कर लेंगे मिक्स। मिक्स करने के बाद अब हम लोग इसमें डालेंगे अपना कॉर्नफ्लेक्स। एक कप डाला है हम लोगों ने, आप यहाँ पे 1.5-2 कप जितना भी डाल सकते हो। फिर उसके बाद अच्छे से इसको कर लेंगे मिक्स, और ये उसके बाद जो हमारा कॉर्नफ्लेक्स चाट होगा वो बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाएगा। यहाँ पर हम लोगों ने थोड़ा सा अनार भी डाला है, बिल्कुल ऑप्शनल है, बट चाट में अनार बहुत अच्छा लगता है तो इसलिए हम लोगों ने डाल दिया। और ये जी हो गया हमारा कॉर्नफ्लेक्स चाट बिल्कुल तैयार। बहुत हेल्दी सा ऑप्शन है, डाइटिंग वगैरह पे हो तो बिल्कुल इसे आराम से बनाकर आप लोग खा सकते हो। बहुत टेस्टी सा भी लगता है और ईजी सा भी है, ज़्यादा वक्त लगता नहीं है। तो ये देखना, बिल्कुल ज़बरदस्त सा हमारा कॉर्नफ्लेक्स चाट बिल्कुल तैयार हो गया। अब हम लोग इसको गार्निश कर देंगे। हम लोगों ने यहाँ पर क्यूकम्बर वगैरह बचा के रखा था, उसके साथ गार्निश कर देंगे। तो ये देखना, बिल्कुल ज़बरदस्त सा हमारा कॉर्नफ्लेक्स चाट तैयार हो गया। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। और हाँ, ट्राई करते हो तो फीडबैक लाजमी दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।